हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ फ्लावरिंग वाइन लेकर आई हूँ, बेलें लेकर आई हूँ जो सुंदर फूलों वाली हैं। तो जो मेरे पास हैं बेलें, आज मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। कुछ मेरे पास सेलेक्टेड बेलें हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। इस समय फ्लावरिंग तो नहीं आ रही है, क्योंकि किसी में कभी फ्लावरिंग आती है, किसी में कभी फ्लावरिंग आती है, तो मैं एक साथ तो नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन जब भी फ्लावरिंग आएगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। जिसमें भी फ्लावरिंग आ रही है उनको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आपको सुंदर जो वाइन है उनके बारे में बताती हूँ। बेलें हैं जो आप अपने घर पे लगा सकते हैं, अपने टेरेस में लगा सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती हैं। फ्लावर मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो में। तो चलिए मेरे साथ, मैं आज आपको कुछ वाइन के बारे में बताती हूँ। मैं बैक कैमरा ऑन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं जो वाइन दिखा रही हूँ आपको, ये है पेपर वाइन। इसकी जो लीफ है एकदम रफ़ होती है छूने में, बहुत आपको रफ़ रफ़ महसूस होगी कि बिल्कुल सूखी लीफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका नाम ही पेपर वाइन है, इसीलिए इसमें बहुत सुंदर पर्पल कलर के गुच्छों में फ्लावरिंग आती है, बहुत सुंदर लगती है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है पेट्रिया वॉल्यूबिलिस। तो बहुत सुंदर इसमें फूल आता है। आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं, बाहर की क्यारी में लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। मैंने तो अपने टेरेस में लगा रखा है, पॉट में ही लगा रखा है, क्योंकि मैं जब लेकर आई थी तो मुझे नहीं पता था कि ये वाइन है या फ्लावरिंग प्लांट है। बाद में मुझे पता चला कि ये पेट्रिया है। बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग होती है। अब फ्लावरिंग इसमें आएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो आप अपने गार्डन में इसको ऐड ज़रूर करिए, पेपर वाइन को, बहुत सुंदर लगता है। मेरे पास बेल वाला, सेकंड नंबर पे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास बेल वाला कचनार है। कचनार का तो काफ़ी बड़ा प्लांट होता है, लेकिन ये सारे वो प्लांट हैं जो मैं लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि ये बेल वाला कचनार है। कचनार कहकर तो लेकर आई थी लीफ, क्योंकि इसकी बहुत यूनिक होती है, कचनार की बहुत सुंदर लगती है लीफ। तो इसकी मुझे बहुत पसंद है, इसकी लीफ बहुत प्यारी लगती है। ये है कचनार की लीफ। इसमें भी पर्पल कलर का फ्लावर आता है, बहुत सुंदर फ्लावर आता है, ट्री की तरह होता है। लेकिन मेरे पास जो कचनार का प्लांट है वो बेल वाला कचनार है, वाइन की तरह फैलता है ये। इसको भी मैंने 12 इंची के पॉट में ही लगा रखा है, अभी छोटे ही पॉट हैं। इस बार सोच रही थी इनको चेंज करूँगी, अभी मुझे इसकी कटिंग करनी है, कटिंग नहीं कर पाई हूँ और इसमें न्यू न्यू ग्रोथ आने लग गई है, और अभी तक इसमें फ्लावरिंग नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, मैंने बहुत सारे फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर लिए, शायद पॉट छोटा है इस वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं आई है। तो आप अपने गार्डन में कचनार को ऐड ज़रूर करिए, इसमें भी फ्लावर बहुत सुंदर आता है। बेल वाला कचनार है तो ये वाइन की तरह फैलेगा, तो बहुत सुंदर लगेगा। लीफ ही इसकी बहुत सुंदर लगती है। अगला जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अगला मैं जो दिखा रही हूँ आपको, ये है ब्लीडिंग हार्ट। ब्लीडिंग हार्ट में भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है, बहुत प्यारा लगता है। ये भी वाइन की तरह फैलता है। इसमें रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन वाला फ्लावर आता है, जो मेरे पास ये जो है ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है। तो आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, मैंने ग्रो किया है ये। तो आप ब्लीडिंग हार्ट को भी लगा सकते हैं, इसमें भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग आती है। मैं फ़्लावर मेंशन कर दूंगी, अब इसमें फ़्लावर आने वाले हैं। अगला जो मैं वाइन आपको दिखा रही हूँ वो है साइप्रस की वाइन। ये वाली मेरी बड़ी वाली बेल तो सूख गई, मैंने सीड से ग्रो किए हैं ये साइप्रस के वाइन। अब ये बहुत स्पीड में बढ़ रहे हैं, इसमें भी बहुत कई सेड आते हैं और छोटा फ्लावर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आता है और बहुत सुंदर लगता है। इसकी लीफ भी बहुत सुंदर लगती है साइप्रस वाइन की, तो इसलिए भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। फ्लावर तो होता ही सुंदर है।
मेरे पास रेड कलर वाला साइप्रस वाइन है, इसमें येलो, मिर्जेंटा, डार्क मिर्जेंटा, इस तरह से बहुत सारे कलर आते हैं। आप कोई भी कलर का शेड लगा सकते हैं, बहुत आराम से ये वाइन फैलती है और बहुत सुंदर लगती है। अगला जो मेरे लिस्ट में नाम है वो है एलामांडा की बेल। एलामांडा में भी दो तीन कलर आते हैं, मेरे पास ये येलो कलर वाला है एलामांडा, मेरे पास ये येलो कलर वाला एलामांडा है। इसमें और भी शेड आते हैं एलामांडा के मेरे, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, ये भी वाइन की तरह फैलता है। मेरे पास वाइन वाला एलामांडा है और मैंने ऐसे फैला रखा है, तो बहुत सुंदर लगता है ये भी। तो आप इसे भी लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग आती है और हमेशा फ्लावरिंग आती ही रहती है। अगला जो मेरा लिस्ट में नाम है, अगली जो वाइन है वो है रंगून क्रीपर, मधुमालती। इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। इसमें दो तीन शेड के एक साथ गुच्छों में फ्लावरिंग आती है, बहुत सुंदर लगती है। ये तो पॉट वाला मेरे पास है जो मधुमालती है, मेरे पास क्रीपर वाला भी है जो मैंने अपने उसमें बाहर की क्यारी में लगा रखा है। तो ये है मेरी बाहर की क्यारी, इसमें ये लगी है मधुमालती की बेल जो कि बहुत साल पुरानी है, लगभग 15 साल पुरानी है ये। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरे मेरे ऊपर तक फैली हुई है और सारे प्लांट को कवर करती है। इसकी अभी कटिंग कराई है और ये हरसिंगार के पौधे में पूरे में मधुमालती हो रही है, और वो देखिए ऊपर तक जा रही है, ये देखिए। तो इस तरह से पूरी फैली है मधुमालती, तो ये भी बहुत सुंदर लगती है, मेरी फेवरेट वाइन में है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। और अगला जो मैं वाइन दिखाने वाली हूँ आपको, अगली है मेरी लिस्ट में नाम, ये है इसको वाइन क्या कहेंगे इसको, ये एज ए क्रीपर है, क्रीपर है बोगेनविलिया। बोगेनविलिया को एज ए आप बॉन्साई भी बना सकते हो। ये आप बेल की तरह भी फैला सकते हो, तो बोगेनविलिया भी बहुत सुंदर लगता है। इसमें भी बहुत सारे शेड आते हैं, ये भी दो कलर शेड करता है, चेंज करता है। और ये मैंने पूरे इधर बाहर अपने बाहर है, आउटसाइड में जो गार्डन है उसमें पूरा फैला रखा है, बहुत सुंदर। अभी तो बहुत कम फ्लावरिंग आ रही है, लेकिन फिर अभी थोड़े दिन में ही पूरा फूलों से भर जाएगा। इसमें भी बहुत सारे शेड आते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगती है बोगेनविलिया, ये भी मेरे फेवरेट प्लांट्स में है। और अगली जो मैं आपको वाइन दिखाने वाली हूँ, दो वाइन मैं अभी जल्दी में लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले ये थी राखी बेल, तो अब नहीं है मेरे, पहले नहीं, पहले थी मेरे पास, मेरी ख़राब हो गई ये वाली वाइन, मैंने भी क्यारी में लगा रखी थी, गेट के साइड में थी। अब मैं ये लेकर आई हूँ रेड कलर वाली राखी बेल, तो इसमें भी बहुत सुंदर फ्लावर आता है। इसको कौरव पांडव बेल भी कहते हैं, इसका फ्लावर मैं मेंशन कर दूंगी। बिल्कुल राखी की तरह लगता है, उसमें अब बहुत शेड आते हैं, वाइट आता है, रेड आता है, पर्पल होता है। वैसे पहले जो कॉमन सा कलर आता था वो पर्पल ही आता था, अब बहुत सारे शेड आते हैं। तो ये मैं रेड वाला इस बार लेकर आई हूँ, बहुत मुश्किल से ये कलर मिल पाया है, तो आप इसे भी लगा सकते हैं, ये भी वाइन की तरह फैलता है। अभी तो ये मेरा पॉट में ही लगा है, चारों तरफ से ये नर्सरी में इस तरह से करके दिया है, वाइन को इस तरह से फैला रखा है। इसमें राउंड तार लगा रखा है और उसमें फैला रखा है, साइड में बैम्बो स्टिक है और इस तरह से फैला रखा है। तो अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है, रिपोर्ट नहीं किया है, ऐसे ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको ज़रूर लगाइए, ये भी बहुत सुंदर लगती है। अगली जो लिस्ट में वाइन है वो है ट्रम्पेट वाइन। ट्रम्पेट वाइन में मैंने जो कलर देखे हैं वो दो कलर देखे हैं, एक येलो शेड का और एक ये ऑरेंज शेड। दोनों में से आप कोई भी लगाइए, इसमें भी गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, इसका फ्लावर भी बहुत सुंदर लगता है। और ये आप गेट के साइड में लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग लगती है इसकी, पूरा गुच्छों से भर जाता है,
तो अभी तो मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया था, तो अभी छोटा ही प्लांट है और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मैं इसको क्यारी के साइड में लगाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट वाइन में से है। तो आप इसे भी अपने गार्डन में ऐड ज़रूर कीजिए, ये भी बहुत सुंदर लगती है। पॉट में भी आप लगा सकते हैं अगर आपको वाइन पसंद है। मैंने बहुत सारी वाइन अपने पॉट में ही लगा रखी हैं, टेरेस में लगा रखी हैं। तो इस तरह से आप इन वाइन को अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। और अगला जो मेरी लिस्ट में वाइन है, चलिए मैं उसको भी दिखाती हूँ। जो अगला है और लास्ट जो वाइन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है क्लीमेटिस की वाइन। ये मैं अभी लेकर आई हूँ राखी बेल के साथ ही। थोड़ा सा धूप ज़्यादा हो रही थी, गर्मी बहुत हो रही थी, तो इसके फ्लावर सारे मुरझाए से लग रहे हैं आपको। तो मैं इसको अंदर शेड में रखा है। तो ये भी बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है। खुशबू के लिए अगर आप खुशबूदार वाइन लगाना चाहते हैं तो आप क्लीमेटिस को ज़रूर लगाइए। बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत फ्लावरिंग आती है इसमें, फूलों से भरा ही रहता है। इसको मैं जल्दी से रिपोर्ट करूँगी क्योंकि मुझे 1 हफ्ते लाए हुए हो गया है। तो मैं क्योंकि इसका पॉट बहुत छोटा है, तो अगर आप खुशबूदार वाइन लगाना चाहते हैं तो आप क्लीमेटिस को ज़रूर लगाइए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो और कैसी लगी जानकारी? अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाइए, तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो थैंक यू।